This video is proudly sponsored by Rang Mahal Paint Store and Ummul Qura International School and College, Abbottabad. Check description for more information. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Bike Mate PK. Gen Pen. Finally, the bike is here. High speed ka Infinity 150cc. Ye 2018 model hai. To be very honest, 17 and 18 is almost identical. There is no such change in them. So, you call it 17 or 18, same thing hai ye. Gentlemen, let's talk about its looks first. Ke ye kitna zabardast. Ye actually cafe racer theme pe bana gaya bike hai. Aur ye bike actually उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है जो सुजुकी GS150 लेते हैं या दूसरे बाइक्स लेके उनको मॉडिफाई करके काफ़ी सारा पैसा लगता है मॉडिफिकेशन पे, तो मॉडिफाई करके ये लोग देना चाहते हैं. तो कंपनी की तरफ से पक्का पकाया बना बनाया कैफे रेसर आपके लिए कंपनी ने प्रेजेंट किया. आई डोंट नो व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ दिस बाइक इन पाकिस्तान, बिकॉज बीइंग पाकिस्तान इज़ लाइक आई सेड दैट बिफोर बाइंग द थिंग वी थिंक अबाउट सेलिंग इट. सो ख़रीदने से पहले हम इसे बेचने के बारे में सोचते हैं, रीसेल के बारे में सोचते हैं. तो आई एम नॉट रियली होपफुल अबाउट द फेट ऑफ दिस बाइक कि क्या फेट है इसके, क्या नसीब है. बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. ओके जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक. अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको अवेलेबल है. वेरी चिजल्ड काइंड ऑफ फ्यूल टैंक इट इज़, और काफ़ी रिमेनिसेंट है ये रावी पियागो का. इसमें अगर आप स्पार्क प्लग्स देखें तो इसमें दो स्पार्क प्लग्स यूज़ हुए हुए हैं, जिसका रीज़न है कि ये आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है. और बीइंग 150, मे बी यू नो इट और नॉट, आई एम ओनिंग GS150 और वो अभी मुझे रिटर्न कर रहा है 41 किलोमीटर टू अ लीटर वो रिटर्न कर रहा है. और इसके बारे में ये है कि 45 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है. और ये अभी जस्ट बिगिनिंग है, जूँ जूँ ये चलता जाएगा और एफिशिएंसी इसकी, फ्यूल एफिशिएंसी वो मज़ीद बेहतर होती जाएगी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टायर. वही ये 17 इंच का रिम लगा हुआ है इसमें, आगे फ्रंट और बैक दोनों 17 इंच के रिम्स हैं. अगेन इफ़ यू कंपेयर इट विद द सुजुकी GS150, क्योंकि 150 लीक का बाइक है तो हम इसे 150 के साथ ही कंपेयर करेंगे, तो उसमें 18 इंच का रिम लगा हुआ और इसमें 17 इंच के रिम लगे हुए. और आगे आपको पेटल डिस्क ब्रेक मिल जाती है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है. शॉक्स की अगर हम बात करें तो टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं और इसमें फ्रंट आपको बूट भी प्रोवाइड किए गए हैं शॉक्स के साथ. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द रेयर लाइट, वेरी पैपी स्मॉल काइंड ऑफ लाइट इट इज़, और बहुत तेज़ है ये. बुलेट स्टाइल के इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि एक रेट्रो लुक भी देते हैं और बहुत फिनोमिनल भी लगते हैं इसके साथ, शॉर्ट सीट के साथ. चूँकि ये कैफे रेसर है तो इसकी सीट का साइज़ भी और ये स्टाइल में और इसका एक सेंस ऐड करता है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द साइड कवर्स ऑफ दिस बाइक, तो इसके अगर आप साइड कवर्स देखें तो इसमें एयर वेंट भी दिया हुआ है इन्होंने और इंतहाई खूबसूरत. और जो ही अगर आप इसको गौर से देखते हैं थोड़ा करीब से, तो ये आपको एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सुजुकी GS150 की फ्रेम ही है. एक्चुअली पीछे अगर आप शॉक्स देखते हैं इसके, तो आपको एयर सिलेंडर्स भी मिल जाते हैं, ये एक्चुअली हाइड्रोलिक शॉक्स है. अब अगर इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो ये एक स्मॉल बेंड के साथ एक एग्जॉस्ट दिया हुआ है इन्होंने, और जो इसके स्टाइल के साथ सूट भी करता है. और दूसरी बात यह है कि इसका जो साउंड नोट है वो बहुत ही आउट क्लास है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर अभी इसके हैंडल और असम्बलीज के बारे में बात की जाए, तो राइट साइड पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है. लेफ़्ट साइड पे आपको डिपर का ऑप्शन दिया जाता है. चौक भी इसकी ऊपर ही है, वो ऑर्थोडॉक्स लोकेशन नहीं है इसकी, उसके साथ कार्बोरेटर के साथ ही इसके आपके साइड इंडिकेटर्स का आपको ऑप्शन मिलता है. अगर इसके मीटर्स की बात की जाए तो इसमें आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल आपके वो मीटर मिलते हैं, जिसमें आपको राइट हैंड साइड पे आरपीएम मीटर मिल जाता है. दरमियान में जो बड़ा डायल है आपका, इसमें आपको स्पीडोमीटर है और आपका गियर इंडिकेटर है, डिजिटल गियर इंडिकेटर है आपका. और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है. इसकी हेडलाइट्स जो है, इसका डे टाइम रनिंग है, तो जो ही आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो इट स्टार्ट्स रनिंग. और इसमें लाइट किल करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है असेंबली में, तो लाइट्स इसकी दिन हो या रात वो चलती रहेंगी.
Assalamoalykum. Waalaikum assalam. Allah ka shukr, aap sab theek hain. So Adil bhai ke paas aaj ye bike aaya, to inhone specially call ki mujhe ke aap aa jaye aur dekhe is bike ko, review bana le. So thank you very much sir for calling again. Filhal jo humne bike mangwaye hain usme humne तीन कलर मंगवाए हैं, ठीक है। एक हमने ब्लैक मंगवाया जो मैट ब्लैक में आ रहा है, उसके अलावा वाइट कलर इसमें बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, इसलिए हमने वाइट में बाइक मंगवाए हैं जो कि दो पीस हमारे पास आए हैं, और उसके अलावा एक रेड कलर में आया है, ठीक है। इस कलर का स्पेसिफिक नेम है कोई? यस सर, ये सर ये जो वाइट कलर ये पर्ल वाइट में आ रहा है सर। एक तो सबसे पहले इसकी जो शेप है वो एक कैफेरा से स्टाइल उन्होंने दी है, और दूसरी मेजर चेंज इसमें ये है कि कंपेरिजन करें फ्यूल का, तो ये दूसरे बाइक जो GS150 है या CB150 है उसके मुकाबले में फ्यूल एफिशिएंट है बाइक, क्योंकि जैसे आपने बताया इसमें दो स्पार्क प्लग यूज़ किए हैं कंपनी ने, जो कि फ्यूल को ठीक तरीके से बंद करते हैं और बाइक जो है वो एवरेज पर लीटर में बहुत अच्छी दे रहा है। ये बाइक इसमें कंपनी ने ऑलरेडी मॉडिफिकेशन जो जितनी भी देनी थी हो सकती थी इसमें वो करके दी हैं, अब आफ्टर मार्केट इसमें मॉडिफिकेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये इस किस प्राइस में अवेलेबल है अभी? सर ये फिलहाल हमारे पास 1,70,000 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट्स पे है? जी बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट्स पे क्या पड़ जाएगा? सर इंस्टॉलमेंट पे तकरीबन ये बाइक 2,00,000 के करीब पड़ेगा। जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो पहली बात ये है कि वो अवेलेबल हैं आपके पास कि नहीं, सेकेंडली इसके स्पेयर पार्ट्स का क्या सीन है, वो अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो वो मतलब रेडिली अवेलेबल है या ऑर्डर करते हैं, क्या सीन है उसका? सर जैसा कि आपको पता है ये बाइक अभी पहली दफ़ा हमारे पास यहाँ आया है, और हाई स्पीड एक ऐसी कंपनी है कि जो हमें स्पेयर पार्ट में या आफ्टर मार्केट जो पार्ट्स आते हैं उनमें तंग नहीं करती। अगर फिलहाल तो हमारे पास इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ इसकी ज़रूरत हुई तो हम विद इन वीक उसको मंगवा के दे सकते हैं ये चीज़। ठीक है, मतलब कस्टमर ये लेके बेआसरा नहीं रहेगा? नहीं बिल्कुल बेआसरा नहीं रहेगा। और जैसे आपने रीसेल की बात की, तो रीसेल अभी ये नया नया चला है यहाँ पे, इसको रीसेल बनाने में मार्केट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको वही लेगा जो कैफे रेसर का शौकीन है, और जो कैफे रेसर के शौकीन बाइक होते हैं लोग होते हैं वो एक तो जल्दी जल्दी इनको दोबारा बेचेंगे नहीं, अगर बेचेगा भी तो इसमें जो इसकी जो प्राइस टूटती है वो ना होने के बराबर टूटेगी, क्योंकि उससे भी किसी शौकीन बंदे नहीं लेना है। ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, चीयर्स, हैव अ गुड डे। जनरलमैन द थिंग इज ये बाइक जो है ये 5-speed रिटर्न शिफ्ट इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये मैंने पहले आपको बात बताई नहीं थी। बाकी 4-stroke सिंगल सिलेंडर ये इंजन है इसका, और 11.5 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। अब जो लोग ये बाइक इसलिए लेना चाह रहे हैं कि दे विल रेस ऑन इट एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, सो अगेन सॉरी, ये आपकी रेसेस के लिए काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो उससे अच्छा आप CG125 या दूसरे बाइक्स जो हैं आपके आप उन्हीं पे गुजारा करें, क्योंकि ये बाइक इट्स प्योरली अबाउट यू नो बीइंग स्पेशल ऑन द रोड। ये इसकी स्टाइल, इसका लुक, जो इसकी लुक्स हैं वो हेड टर्नर है बेसिकली, तो आपकी रोड प्रेजेंस एक फील होती है, जब आप बाइक चला रहे होते हो तो लोग मोड़ मोड़ के देख रहे होते हैं, तो बस आपका पैसा वसूल हो जाता है। परफॉर्मेंस भी नॉट सो बैड है, बट यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इसका वेट जो है वो 160 किलोग्राम है, इंजन इसका 150 सीसी इंजन है, तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं GS150 के साथ तो उसका वेट है ऑलमोस्ट 116 किलो, 116 kg, तो जो कि कंपेरेटिवली अगर इसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी पिक अच्छी है, उसकी टॉप स्पीड इससे ज़्यादा है, और वो ज़्यादा तेज़ी से इसे आगे आराम से निकल सकता है। तो इस बाइक पे रेसेस का तसव्वुर फजूल है, क्योंकि एक तो ये है भी बहुत ज़्यादा हैवी, टायर्स इसके बड़े हैं, और इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि आप रेस वगैरह करेंगे तो फॉरगेट अबाउट इट, यू नॉट गोना बी एबल टू रेस ऑन इट। एक्चुअली दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट स्वैग, तो बहुत ज़्यादा स्वैग है इस बाइक में, मैंने जैसे पहले कहा कि रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, हेड टर्नर है, जो ही अभी मैं चला रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, तो इट फील्स ऑसम व्हेन यू राइडिंग सच अ थिंग दैट विच इज़ अट्रैक्टिंग पीपल, सो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। तो बाकी लाइक आई सेड परफॉर्मेंस नॉट सो बैड है,
तो यस, ये वीकेंड्स पे निकलने के लिए और लॉन्ग रूट्स पे जाने के लिए, लेकिन अगेन आप रेस का एलिमेंट अगर निकाल दें तो ये परफेक्ट बाइक है आपके लिए. सो डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ एंड दैट वाज द रिव्यू ऑफ दिस बाइक. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग थम्स अप. And if you are new over here, or अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, तो please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you very much. And अभी अगर आपके ज़हन में कोई और bike है जिसका आप review देखना चाहते हैं, तो do mention it in the comment box. Inshallah, I'll try to bring it up for you. Thank you very much and have a awesome day. Cheers.